जब फिटनेस ही बन जाए मौत का जरिया? जिम में वर्कआउट क्यों बन रहा मौत का कारण? अच्छी सेहत और फिट बॉडी किसे पसंद नहीं होती, लेकिन अगर यही फिटनेस रूटीन आपके लिए जानलेवा साबित हो जाए तो? बीते कुछ सालों में युवाओं में हार्ट अटैक से मौत के कई मामले सामने आ चुके हैं। इन सभी मौतों में जो एक बात कॉमन थी, या यूं कहें कि मौत की जो वजह सामने आई, वो बहुत ज्यादा वर्कआउट करना था। हाल ही में टीवी एक्टर सिद्धांत सूर्यवंशी को जिम में वर्कआउट करने के दौरान हार्ट अटैक आया, जिसके बाद तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अफसोस कि आज वो हमारे बीच नहीं है। 46 साल के सिद्धांत की मौत की वजह हद से ज्यादा वर्कआउट बताई जा रही है। वैसे यंग एज में हार्ट अटैक से मौत का ये कोई पहला केस नहीं है। इससे पहले मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, बिग बॉस फेम एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला और भी कई नाम हैं जिनकी मौत ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। आइए जानते हैं कि आखिर वर्कआउट का हार्ट अटैक से क्या कनेक्शन है। ये नॉर्मली हमारे शरीर में एज के साथ थोड़ा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, बट ये कोलेस्ट्रॉल बहते हुए ब्लड से एक प्रोटेक्टिव लेयर के थ्रू सेपरेट रहता है। बट कभी कभी ये रहता है कि हैवी एक्सरसाइज करने में ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ब्रेक हो जाती है, तो ब्लड जो है वो डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल के कॉन्टैक्ट में आता है, और वो कोई ऐसा प्रिवेंटिव मैकेनिज्म नहीं होता कि इस वजह से ऐसे हार्ट अटैक कॉमनली फेटल भी होते हैं। जिनको काफ़ी रिस्क फैक्टर हैं, जैसे स्मोकिंग है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, या फैमिली में हिस्ट्री है यंग एज में हार्ट प्रॉब्लम होने की, तो आजकल एक टेस्ट होता है CT एंजियोग्राफी करने में भी, जैसा मैंने बताया सीने में वजन रखा है, भार रखा है, ऐसा लगता है कोई कंप्रेस कर रहा है, तो जरूर अपना एक स्ट्रेस टेस्ट करा के देख लें। बॉडी को हिट और फिट रखने के लिए मार्केट में कई तरह के सप्लीमेंट्स और प्रोटीन पाउडर मौजूद हैं, और जिम ट्रेनर इन सप्लीमेंट्स के सेवन की सलाह भी देते हैं, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक मार्केट में मिलने वाले कुछ सप्लीमेंट्स सेहत के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, जो कि हार्ट अटैक का कारण भी बन सकते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स के सेवन से पहले उसे अच्छे से जांच पड़ताल करके और अपने स्पेशलिस्ट की सलाह पर ही खाएं, और नियमित एक्सरसाइज के साथ संतुलित अनुशासित जीवन शैली अपनाएं।